इट्स अबाउट मी एंड माय कार। कार को अपने मतलब का बनाने के लिए जरूरी है कि आप कार को स्क्रैच से बनाना शुरू करें, लाइक के पूरी कार खोल दें, लाइक इंटीरियर, इंजन, बॉडी पार्ट्स। Here comes a disclaimer. नहीं, बल्कि बाद में बताऊंगा, अभी आप घबरा जाओगे। सारी गाड़ी खुलने के बाद अब जो पार्ट रिपेयर होने वाला है उसे रिपेयर करवाएं। और जो लाने वाला है वो पार्ट जल्दी से लेकर आए। ओल्ड इज गोल्ड समझ के मेरी जान, तुमने पुरानी गाड़ी तो ले ली, लेकिन अब इसका सामान आपको कब्रिस्तान से मिलेगा, मतलब शेरशाह से मिलेगा। बाबा सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात ये होती है कि आप जिस गाड़ी का सामान लेने के लिए वहां जाते हो वो किसी और गाड़ी में से काट के आपको सामान दे रहे होता है। फिर आप बोलते हो यार गलत बल्ली ले। पर मेरी जान तुमने घबराना नहीं है, यू आर सो क्लोज टू योर गोल, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। आती है गाड़ी की बॉडी तैयार करने की। गाड़ी की बॉडी तैयार करने का दस्तूर ये है कि आपने जहाँ पर डेंट वगैरह देखे उन डेंट वगैरह को निकालें, जो चीज सेट होने वाली उसे सेट करें। वैसे भी इस पे वेल्डिंग करने की ट्राई मारी है, लेकिन ना वेल्डिंग इस पे सही हो नहीं रही ना, ये मजेदार वेल्डिंग नहीं हो रही और रंग पीछे से अलग खराब हो रहा है। ओके तो जनाब, कल सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हम इसकी वेल्डिंग नहीं कर सके थे। वेल्डिंग इस वजह से नहीं कर सके थे क्योंकि वेल्डिंग कर रहे थे ना तो ये खराब हो रहा था, तो कहा गया कि इस पर सिलिकॉन वगैरह लगाओ और ऊपर वजन रख दो। तो हमने अच्छे से सिलिकॉन लगाई, ऊपर वजन रखा साथ में, लेकिन हमने मैजिक भी लगा दिए ना ताकि काम पक्का हो जाए। इसको आज भी इसको ऐसे रहना कि शाम में इसको उठाएंगे ताकि बिल्कुल मतलब अपना क्या नाम है जो सिलिकॉन है वो अपनी जगह पकड़ ले। उसके बाद फिर कलर करना शुरू करें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, वहीं कुछ तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लाइक जब मैं कलर कर रहा था तो मेरे हाथ पे चोट लग गई अंगूठे पे और ये पूरा सूज गया और ये अंगूठा साथ में फायरिंग हो गया। भैया सीन कुछ ऐसा है कि मेरे अंगूठे शरीफ पर ना, मैं आपको यहाँ पे यूं करके दिखाऊँ, ये अंगूठा शरीफ जो है ना इससे मेरे लग गई थी टाइट वाली चोट, फुल मोटू मोटू सा नज़र आ रहा होगा, तो मुझसे ना इस हाथ से ना काम हो नहीं रहा। तो पॉलीगेट वगैरह मिक्स करना और इस सब के लिए मैंने असिस्टेंस के तौर पर मन्नान भाई को बुलाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी असिस्टेंस कर रहे हैं। अब बाय चार्जिंग का लगा दूंगा। ओके जी, सो गाड़ी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, ग्राउंड इसका तकरीबन तैयार हमारा हो चुका है। आज रात रात में गाड़ी का ग्राउंड कंप्लीट तैयार हो जाएगा, सुबह इंशाल्लाह हम इसमें मारेंगे अस्तर और फिर उसको हल्का पुल्का रगड़ा रगड़े करके गाड़ी पर इंशाल्लाह कलम मारना शुरू करेंगे। गाड़ी का ग्राउंड थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि एक तो अकेला कर रहा हूँ और दूसरे नंबर पर इसकी वजह से, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ओके जी, सो गाड़ी हमारी पूरी तरह से ढकी जा चुकी है, जिन हिस्सों में हमने कलर नहीं करना है वहाँ बस नहीं करना, तो हमने उन हिस्सों को ढक दिया और गाड़ी बाकी बकिया पूरी की पूरी जनाब तैयार है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पर हमने कलर करना है। सो कलरिंग का प्रोसेस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ अंदर झाड़ू मार के
जगह साफ करते हैं, इसे अंदर लाते हैं, कंप्रेसर ऑन करते हैं और कलर करते हैं। तो जनाब ये गाड़ी के पलस्तर हमारा लग चुका है। अब जहाँ जहाँ हमें अब थोड़े बहुत ऐप नज़र आ रहे हैं उसको रगड़ रगड़ के हम बिल्कुल सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर मारते हैं गाड़ी के ऊपर हम कलर। तो अस्तर से देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल तैयार है, मैंने बिल्कुल मैचिंग है, मैंने अस्तर ले लिया था। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो बज़ाहिर गाड़ी के पेंट और उसके अंदर फ़र्क भी पता नहीं लग रहा। ओके जी, सो ये रहा हमारा पेंट, गाड़ी हमारी फुल तैयार है इस वक्त कलरिंग के लिए। सारे टायर्स मैंने खोलने ताकि अंदर से भी गाड़ी के कलर किया जा सके। अंदर यहाँ अस्तर मैंने लगा लिया है और यहाँ पर भी अस्तर अंदर लग चुका है सामने की साइड पर। अब गाड़ी के ऊपर होगा भाईजान सीधा सीधा कलर। गाड़ी का ग्राउंड तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कलरिंग का प्रोसीजर बाकी। सो गैस, अब बारी आती है रबिंग और पॉलिश की। रबिंग पॉलिश के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि गाड़ी का ये जो पेंट है इसको हमने बिल्कुल फाइन और स्मूथ कर लेना है। हमने इसको ओपन प्लेस के अंदर हमने इसको जो है पेंट किया है, सो उससे हुआ ये है कि गाड़ी के ऊपर ना डस्ट के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आगे चिपक गए। तो जब हम इसके ऊपर ये फाइन रेगमाल मारेंगे 1500 का, तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी गाड़ी। ओके जनाब, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह से ऐसा फाइन हो चुका है कि अब इसके ऊपर हम रबिंग पॉलिश करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर हो जाएगा इसका, बहुत ही खूबसूरत। कहने वाले कहा करते हैं कि दुनिया में हर मर्ज का इलाज है, लेकिन वो शक वाहिद मर्ज है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का वाक्य हुआ। मेरी धन्नो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही हसीन सी है, इसके साथ हुआ कुछ यूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा ब्यूटी पार्लर का इसका काम था, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग थी इसके ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं पूरी तरह से ये जान चुका था कि डेंटर्स और पेंटर्स जो हैं ये अपना काम सही से नहीं करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग खुद करूँ, मतलब मैं अपनी गाड़ी का मेकअवर खुद करूँगा, इसका मेकअप मैंने खुद करना है। तो आपके भाई ने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल में मुझे कार का कलर उतारना पड़ा, पास गाँव पर जहाँ पर कलर फूला हुआ था वहाँ से कलर को सेट करना पड़ा, डेंटिंग करनी पड़ी जनाब, कुछ वेल्डिंग का काम था वो वेल्डिंग का काम किया, लेकिन गाड़ी एट दी एंड कड़क हो चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप था कि गाड़ी के ऊपर जो पुटीन वगैरह लगानी है वो लगाकर गाड़ी की बॉडी को, मतलब गाड़ी का जो ग्राउंड है उसको तैयार किया जाए, ताकि हम फिर बाद में इसके ऊपर ये खूबसूरत सा पेंट कर सकें। तो हमने गाड़ी के ऊपर पुटीन लगाई, हमने गाड़ी के ऊपर अस्तर वगैरह लगाया, रगड़ाई वगैरह सब कुछ। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन लग गए। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ ज़्यादा, लेकिन मैं फ्री वक्त के अंदर मैं काम कर रहा था गाड़ी पर। ओहो हो हो हो, जब मैं गाड़ी तैयार करना शुरू किया था तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ था कि मेरे इस अंगूठे पे चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी, और अब ये अंगूठा मैं अगर यहाँ से दिखा सकूँ, देख रहे हैं लाड़शू लबी लगा, ये उखड़ गया बिल्कुल ही, ये थोड़ा बहुत टच था, अब इसे उखाड़ देते हैं, रख के क्या करना। इस अंगूठे ने भी ना जनाब मेरे ना बड़ा काम खराब किया था। कैसे निकल, ये लाइफ में पहली मरतबा मेरा इस तरह अंगूठा निकल रहा, मतलब नाखून निकल रही है, क्या सारा बुरा बहुत लगेगा यार। अब ये टच हुआ और इसने ये निकल गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर। कैसे निकालो? कुछ नहीं होता, बिस्मिल्लाह निकलना ही है, मजबूरी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं निकला। ये मेरी थन्नों पे लग जाता है यार। हम इसको पकड़ के हल्का हल्का हिलाएंगे, हल्का हल्का निकल जाना भाई, क्या बदतमीजी है। Ah!
लेकिन आज ये कार्बन फाइनल करके जाऊंगा। भैया मेरे लगी हाथ पे, मैंने बुलाया एक शख्स को, किधर है ये शख्स? इस शख्स को बुलाया, ये मेरे साथ काम करा रही है, बंदे ने पकड़ लिया गैरत, बिस्मिल्लाह। Here comes and disclaimer. Disclaimer ये है कि अगर आपको गाड़ी के बारे में वल नहीं है, गाड़ी के बारे में आपको जांच नहीं है, आपको नहीं पता कि गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो गाड़ी के इंटीरियर इंजन को मत छेड़ना। बॉडी का तो नज़र आ ही रहा होता है, इंटीरियर और इंजन को जाना मत छेड़ना, रुल जाओगे। जब तक नहीं पता तब तक मत छेड़ो। मुझे नहीं पता था तो मुझे काफ़ी फारी काटनी पड़ी और कुछ सामान ऐसा था जो कि मिस हो गया तो मुझे नया लेकर आना पड़ा। सो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक।